Difference between psychologist and psychiatrist in Hindi. साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दो प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीकों और योग्यता में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और उपचार के लिए टॉक थेरेपी और विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए व्यक्तियों की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास मनोविज्ञान में मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री होती है, लेकिन वे दवाइयां नहीं लिख सकते हैं। उनके काम में प्रमुख रूप से परामर्श, थेरेपी और मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होते हैं। साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने मानसिक बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम में विशेषज्ञता प्राप्त की होती है। वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाइयां लिख सकते हैं और चिकित्सा उपचार प्रदान कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास MBBS की डिग्री होती है और वे साइकियाट्री में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण लेते हैं। उनका काम जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों का विश्लेषण कर मानसिक बीमारियों का उपचार करना होता है। संक्षेप में, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बातचीत, थेरेपी और मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर जोर देते हैं, जबकि साइकियाट्रिस्ट दवाइयों और चिकित्सा उपचार का उपयोग करते हैं। दोनों पेशेवर मिलकर मरीजों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का व्यापक रूप से समाधान करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।